लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में एनडीए ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है, जिसके बाद नजरें इंडिया गठबंधन पर आकर टिक गई हैं। माना जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर इस पर भी फैसला हो जाएगा। इस बीच खबर ये आ रही है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एनडीए को टक्कर देने के लिए पीके और आरजे वाले फॉर्मूले पर काम करने को कहा है। इसका मतलब ये है कि जिस सीट पर बीजेपी लड़े उस पर कांग्रेस लड़े और जेडीयू के खिलाफ आरजेडी चुनावी मैदान में ताल ठोके। हालांकि इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में कई पेच भी हैं। इंडिया गठबंधन के रणनीतिकार खासतौर पर मुकेश सहनी और पप्पू यादव के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो लालू ने साफ कर दिया है कि पप्पू यादव या मुकेश सहनी चाहे तो राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस में मर्ज कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पप्पू यादव के लिए पूर्णिया और मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर की लोकसभा सीट दी जा सकती है। कहा जा रहा है कि इन दोनों नेताओं को शाम 6 बजे तक का समय दिया गया है। वहीं कांग्रेस सूत्रों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी कटिहार, किशनगंज, औरंगाबाद, पटना साहिब, बक्सर, बेगूसराय, वाल्मीकि नगर और सासाराम को लेकर आश्वस्त है। इसके अलावा कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह के बेटे आकाश के लिए बेतिया के साथ साथ नवादा और पूर्णिया की लोकसभा सीट भी चाह रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार को बेगूसराय से लड़ाने के पक्ष में है। हालांकि आरजेडी का मानना है कि बेगूसराय में राष्ट्रीय जनता दल रनर रहा था, कन्हैया तीसरे नंबर पर थे, इसलिए दावा आरजेडी का बनता है। वहीं कटिहार को लेकर कांग्रेस अड़ी हुई है। कांग्रेस तारिक अनवर के लिए ये सीट चाहती है। तारिक अनवर यहाँ से सांसद भी रहे हैं, लेकिन कटिहार में जेडीयू के सांसद हैं, इसलिए आरजेडी के उम्मीदवार को यहां से उतारने की तैयारी लालू के फॉर्मूले के तहत बन रही है। इसके अलावा पूर्णिया सीट भी कांग्रेस चाहती है, पर इसी सीट से पप्पू यादव भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं माले के सूत्रों की माने तो पार्टी 8 लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है। इसमें आरा, सीवान, काराकाट, कटिहार, पाटलिपुत्र, जहानाबाद, नालंदा और वाल्मीकि नगर है। इनमें कटिहार और वाल्मीकि नगर पर कांग्रेस अड़ी हुई है, जबकि जहानाबाद सीट से आरजेडी सुरेंद्र यादव को उतारना चाहती है। बहरहाल इन सारे पेचों पर इंडिया गठबंधन की बैठक में चर्चा होनी है। इस बैठक में दावे के साथ उम्मीदवारों का भी जिक्र होगा, जीत के समीकरण बताए जाएंगे और तब जाकर अंतिम निर्णय पर इंडिया गठबंधन पहुंचेगा। संभव है कि 24 घंटे के भीतर इंडिया का फॉर्मूला सामने आ जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।